हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो मेरे आज का कुछ न्यू DIY है। आज हम फिर से DIY करने वाले हैं। तो मेरे पास ये दो कोकोनट के शेल हैं, वो इस तरीके से टूट गए हैं और ऐसे डिस्कार्डेड पड़े हैं, कोई यूज़ नहीं है। आप इसे क्या करेंगे, डस्टबिन में ही डालेंगे। बट एक इसका अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें हम अच्छा से एक प्लांटर बना दें इसे और इसे हैंग कर देते, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम इसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या करना है मैं आपको बता दूँ। ऐसे तो मैं इसे कुछ ज़्यादा मतलब चेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसे ही काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो बस ये जो थोड़ा सा ये बाहर निकले हुए हैं, इस रब कर देती हूँ ये जो पेपर है इससे। फिर इस पर हम एक प्लांट लगाएंगे, मतलब दोनों में एक एक प्लांट लगाएंगे। एंड गाइस, एक और चीज़, एक होल भी होना चाहिए, तो इसमें होल भी है। और ये इसमें नॉर्मली है, मतलब मैं इसमें कुछ कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं जिस जगह इसे लगाऊंगी उसको थोड़ा मैं कलरफुल बनाती हूँ। तो इसके बाद में इसे हम पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ इसे हैंग किया है और मैंने वहाँ पे क्या कलरफुल एक्टिविटी की है। चलिए देखिए गाइस, ये दोनों बन के रेडी हो चुके हैं। इन्हें ऐसे मैंने होल दे दिए थे और उसके बाद मैंने ये थ्रेड बांध दिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, नायलॉन की रस्सी हो तो वो भी ले सकते हो, या फिर वो जो कोकोनट वाली रस्सी आती है वो भी, और नॉर्मल रस्सी, मतलब अपनी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से है। अगर आप ज़्यादा धूप में रख रहे हैं इसे तो थोड़ी अच्छी रस्सी लीजिएगा। फिर इस पर मैंने थोड़ा मिट्टी और कोकोपीट डाल के ये टर्टल वाइन प्लांट लगा दिया है। तो अब चलते हैं इसे हैंग करने की तरफ। हमारे मेन डोर से ही हम थोड़ा आगे निकलते हैं तो हमें ये एक सुपारी का पेड़ मिलता है जो काफ़ी ऊँचा आप देख रहे होंगे। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इस पर कुछ तो करूं। तो जैसे ही मुझे कोकोनट शेल मिला तो मैंने इसे थोड़ा पेंट किया, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिया है, येल्लो कलर मैंने यूज़ किया है इसमें। तो मैंने यूज़ किया है ये एशियन पेंट। जितना एरिया रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना ही पेंट किया, क्योंकि मेरी हाइट भी वहीं तक जा रही थी, तो मैंने ज़्यादा पेंट नहीं किया। फिर मैंने ये थोड़ा सा इसे ब्लू स्ट्रिप दी है, थोड़ा लुक आएगा इससे। गाइज, नाउ इट्स टाइम टू फाइनल लुक। तो देखिए, मैंने इसे हैंग कर दिया है। इस पर अंकित ने दो कील लगा दिए थे तो मुझे ईजीली हैंग करते बन गया। तो मैंने इतनी हाइट पे इसे हैंग किया, क्योंकि ये हैंगिंग प्लांट है तो ये नीचे भी हैंग करेंगे इसकी लीव्स, तो भी काफ़ी सुंदर लगने वाला है बाद में। तो मैं आपको वो भी अपडेट दूँगी। सो नाउ गाइज, टाइम टू से बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द।